नमस्कार, मैं शेषाद्री, लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पॉस्ट ट्रेनर, पॉस्ट एक्सटर्नल मेंबर। ये तो मंत्री कंप्लायंस का वीडियो है, नवंबर 2024 का एचआर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के बारे में। ये वीडियो तीन पार्ट है, कंप्लायंस नवंबर 2024 पार्ट वन, ट्रेनिंग नवंबर 2024 पार्ट टू और स्टैट्यूटरी अपडेट्स वो अक्टूबर महीने का है। पहले तो कंप्लायंस के बारे में, नवंबर 2024 में कंप्लायंस तो कम है, पीएफ और ईएसआई, पीएफ वेज मंथ अक्टूबर 2024 को लिए हम तो पेमेंट करना है 15 नवंबर 2024 के पहले, और ईएसआई में भी सेम है। इंटरनेशनल वर्कर का मंथली रिटर्न्स अक्टूबर 2024 का और हम तो फाइल करना पड़ता है 15 नवंबर 2024 पहले। ट्रेनिंग के बारे में देखें तो ये महीने चार ट्रेनिंग्स हैं। एक ट्रेनिंग तो मद्रास में, मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स माउंट रोड में होता है, ईपीएफ कंप्लायंस और चैलेंजेस, इसके बारे में ये ट्रेनिंग होगा। और 15 नवंबर 2024 में दो ट्रेनिंग है, वो एक तो जीएसटी कंप्लायंस के बारे में, जीएसटी में कैसे एनरोल करना है, कैसे फाइलिंग करना है, कैसे रिटर्न लेना है, ऐसे सब कुछ के बारे में एक वर्कशॉप जीएसटी कंप्लायंस के बारे में अरेंज किया गया है, वो होटल कल्याण में 15 नवंबर होगा। वो सेम डे 15 नवंबर एचआर का एक ट्रेनिंग है लीगल कंप्लायंस के बारे में, हायरिंग और सेपरेशन, इसके बीच क्या क्या लीगल कंप्लायंस हम तो लेना है, पालन करना पड़ता है, इसके बारे में होटल कल्याण वंडलूर में ये वर्कशॉप होगा। ये सेम वर्कशॉप कोयम्बतूर में, कोयम्बतूर प्रोडक्टिविटी काउंसिल में 23 नवंबर को होगा ये सेम ट्रेनिंग। और अक्टूबर 2024 का अपडेट्स देखेंगे, सीपीआई पॉइंट्स अभी तो अगस्त में 338 पांच पॉइंट्स कम हो गया है, और ईपीएफओ एसओपी रिलीज किया है डीएससी और ई साइन के बारे में, कैसे अप्रूवल लेना है इसके बारे में, जो बहुत एम्प्लॉयर्स को ये तो लेने के समय रिजेक्ट हो गया, अभी तो एसओपी में क्लियर कट है क्या क्या करना है, करना पड़ता है वो एम्प्लॉयर डीएससी और ई साइन को अप्रूवल लेने के लिए। व्हेन आप जब आप ये डीएससी को अप्रूवल के बारे में जाते हैं, वो ये लेटर जनरेट हो जाता है पीडीएफ में, वो लेटर को लेटरेड में प्रिंट लेना है, व्हाइट पेपर में नहीं, लेटरेड में प्रिंट लेकर स्पेसमैन सिग्नेचर जिसको हम ऑथराइज करेंगे, वो तो तीन स्पेसमैन सिग्नेचर करना पड़ता है। और फॉर्म फाइव को दैट इज ओनरशिप के लिए देखेंगे, वहां तो अपडेट होना है, फॉर्म फाइव अपडेट है तो ओनर का नाम कैसा है ऐसा ही ये लेटर में ही लिखना पड़ता है, लिखकर साइन करना है और ऑफिशियल सील को डालना पड़ता है, वो फॉर्म फाइव को अटैच करना है, और जिसके लिए आप ऑथराइज किया है उसके आधार कार्ड भी इसके अटैच करना पड़ता है, ये डीएससी और ई साइन की अप्रूवल में। ईएसआई से एक सर्कुलर आया था आधार सीडिंग के लिए, आधार सीडिंग तो जरूर है, ये कभी भी कहीं भी स्कीम को शॉर्टली वो ईएसआई कॉर्पोरेशन अमल करना जारी किया है, इसमें तो आधार की आवश्यकता है। आधार कैसे सीड करेंगे, आधार तो आईपी इंश्योर्ड पर्सन को भी करना है और उनका फैमिली मेंबर को भी करना पड़ता है। आधार सीडिंग एम्प्लॉयर पोर्टल में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल का आईपी पोर्टल में भी कर सकते हैं, ब्रांच ऑफिस गए तो वहां भी वो आप आधार का सीड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप ट्रिपल ए प्लस उसमें भी हम आधार को सीड कर सकते हैं। कर्नाटक से एक न्यूज है, 10 लोग के अधिक जिस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट तो 24/7 रन कर सकता है, इसमें जो कुछ हम पालन करना है 48 आवर्स वीकली वन डे हॉलीडे वो सब कुछ पालन करना है, लेकिन वो तो कंप्लीट हॉलीडे देने के लिए आवश्यकता नहीं है, ये स्टैगर्ड ऑफ के पालन करने से ये संभव है। और ईएसआई में एक अपडेट आया था, ईएसआई का एम्प्लॉयर पोर्टल में गए तो एम्प्लॉई टैब के नीचे आप देख सकते हैं सर्च आईपी बाय अकाउंट मोबाइल और यूएएन नंबर, जब हमको तो यूएएन नहीं मालूम है तब पीएफ में हम आधार को वो डिटेल को देने से
हमको तो यूएएन आधार वो एम्प्लॉयर पोर्टल ही देता है, हमको तो मालूम हो जाता है, लेकिन ईएसआई में ऐसा नहीं है। हम तो स्ट्रगल कर रहा है अभी तो, ये आईपी नंबर सर करेक्ट आईपी नंबर को ढूंढने में। अभी तो ईएसआई कॉर्पोरेशन एक लिंक दिया, इस लिंक में जाकर हम तो वो एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, यूएएन नंबर, जो जो कुछ आपको मालूम है उसे डालने से उनका आईपी नंबर भी मालूम हो जाता है, इसलिए उनका बेनिफिट्स कंटिन्यू होगा। और ये आधार में जब लिंक हो जाता है एक ही नंबर में, हम तो ईएसआई तो कंप्लेंस करना पड़ता है, इसलिए ये प्रोविजन तो बहुत अच्छा है। जजमेंट के बारे में देखेंगे, सेक्शन 2S इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वर्कमैन का डेफिनेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डेफिनेशन को अच्छी तरह वो जजमेंट में दे दिया है, जो एम्प्लॉई सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम करता है और उनका मंथली वेजेस 10,000 के ऊपर है, वो वर्कमैन में नहीं माना जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वायलेंट स्ट्राइक, ये कोई एम्प्लॉय वायलेंट स्ट्राइक में आया तो उनको टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट एनक्वायरी, डोमेस्टिक एनक्वायरी के बिना भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ये कंपनी ने किया, उसके बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील भी किए। इसलिए वायलेंट स्ट्राइक को हम कैसा पालन करना है ऐसा मालूम हो जाता है। और वर्कमैन, जब वर्कमैन कंटिन्यूटी का वो कंप्लेंट क्लेम करता है, वो बर्डन तो एम्प्लॉयर के क्या है ऊपर है, एम्प्लॉय के ऊपर कुछ भी नहीं है, वो सही या नहीं वो प्रूफ करने के लिए एम्प्लॉयर का बर्डन है, ये मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट दे दिया है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसा उनका सैलरी, प्रमोशन, फाइनेंशियल सर्विस रिकॉर्ड, ऐसा आरटीए में जो कुछ किसी ने मांगा तो देने के लिए आवश्यकता नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। वर्क में ह्यूमिलिएशन हरासमेंट, इसे लेकर हम सुसाइड करेंगे ऐसा गया तो वो उसका रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कॉम्पिटेंस क्लास, ये उनका एक एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर में वो कॉम्पिटिटर के जाकर आप ज्वाइन नहीं करना, ओके अभी तो ओके, वो तो एम्प्लॉयमेंट के छोड़कर गए उसके बाद भी नहीं ज्वाइन करना, ऐसा क्लास नहीं रखना है, ये तो गलत है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। ग्रेजुटी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को ग्रेजुटी कौन देंगे, कॉन्ट्रैक्टर ही देना पड़ता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसा देखें तो एक कंपनी, कंपनी में वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय तो ऐसा ही ये सेम कंपनी में काम कर रहा है, उनका ग्रेजुटी कैसे है, पेमेंट होगा, वो तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ड्यूटी है, वो अग्रीमेंट में कैसा ग्रेजुटी के बारे में ही लिखना पड़ता है, वो पालन करना पड़ता है, नहीं है तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉय को ग्रेजुटी देना का। और पेपर कटिंग का न्यूज है, वो नोटिस पीरियड जो एम्प्लॉय नहीं दिया उनके लिए उनसे एम्प्लॉयर 5 लाख रुपये मांगा था, ये कोर्ट भी सही बोला, कैसे एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय तो अच्छी तरह का सही तरह का काम को नहीं आता है, इसके बारे में डोमेस्टिक एंक्वायरी को शुरू किया एम्प्लॉयर, उस समय एम्प्लॉय ने जो क्या किया तो रिजिग्नेशन दे दिए, वो तो डोमेस्टिक एंक्वायरी चल रहा है, इस समय में आप तो रिजिग्नेशन नहीं करना है, नहीं हम तो लेंगे, लेकिन ये एम्प्लॉय तो काम को लिए नहीं आए, इसलिए 5 लाख रुपये को मांगने के सही ही है, ये कोर्ट का जजमेंट है। नया लेबर कोर्ट्स कब आएगा सिर्फ कुछ का मन में है तो इसमें लग रहा है, अभी तो ये पेपर क्लिपिंग के बोल रहा है वो, ऑल द स्टेट्स 28 स्टेट्स तो अभी तो रेडी हो रहा है, 3 स्टेट्स नहीं रेडी था वो भी अभी रेडी कर रहे हैं, इसलिए शॉर्टली ये लेबर कोर्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा नेक्स्ट अप्रैल में, अप्रैल 2025 में वो तो इम्प्लीमेंटेशन होने का संभव है। इसे और इसके बारे में और एचआर के बारे में जो कुछ आपको यू नीड एनी इंफॉर्मेशन आप तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं,
वीडियो आपको अच्छी तरह रहा तो ये एचआर फ्रेटेंडी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, और एक वीडियो में हम आएंगे। थैंक यू।